हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये शिव जी की नगरी है, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे अनुमति लेकर ही आज के शाम का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तेरी गलियों में शिव की जियारत रहे, तेरी गलियों में शिव की जियारत रहे, घाटों में गंगा जल की इनायत रहे, तेरी सुबह में रोशन हो सारा शहर, तेरी सुबह में रोशन हो सारा शहर, ऐ बनारस सदा तू सलामत रहे। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे काशी विश्वनाथ की जय हो, श्री श्री राधा गोपाल जी की जय जय हो, हो, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय जय हो। हो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा इस्कॉन वाराणसी के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। सभी वरिष्ठ वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी भक्त वृंद को मेरा प्रणाम। आज सभा में उपस्थित सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस दौरान हम सबसे कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की कहानी की प्रस्तुति देखने, जिसका शीर्षक है मॉडर्न भक्ति। हरे कृष्णा। 14 नवंबर 1977, इसी दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी लीला को समाप्त किया था। मगर जाने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को क्या संदेश दिया, आइए जानते हैं। भव सागर तारण कारण हेर विनंदन बंदन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव कृपा करो ज्ञान ही ने गुरुदेव दया करो दीन जने त्रिदी कंदर तामसो भास्कर हे तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर हे पर ब्रह्म परात्पर वेद भनी गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव कृपा करो ज्ञान ही ने गुरुदेव दया करो दीन जने। श्रील प्रभुपाद जी, यू आर आवर स्पिरिचुअल मास्टर। आपके जाने के बाद हरे कृष्ण आंदोलन का क्या होगा? चिंता मत करो, कृष्ण और मेरे गुरु महाराज हमेशा आपके साथ रहेंगे। जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। हरे कृष्णा का जप करो। मैंने अपनी किताबों में सब बता रखा है, उसका ठीक से अध्ययन करो और कृष्ण के शरणागत हो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है आप लोगों की सहायता से किया है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो पूरी निष्ठा से किया है। मेरा जो कार्य है
वो सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है। अब ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आप सबके हाथों में है, तो हरे कृष्णा का अच्छे से जप करो और कृष्ण के लिए परिश्रम करो। प्रभुपाद क्या होगा हमारा? आइए अब हम चलते हैं 2023 में और देखते हैं वाराणसी में रहने वाले दोनों भाई बहन भक्त माधवी और माधवन प्रभुपाद के इस संदेश को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। माधवी गोज टू टेंपल। जल्दी जल्दी चलती हूँ यार, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए, वैसे भी 9 बज चुके हैं। प्रभु जी जरा साइड हो जाइए, माता जी जरा हटिए, तो हमको भी प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। जय हो जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। प्रभुपाद जी, हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? आपने हम लोगों के लिए इतने भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण किया है। जब मैं इन मंदिरों के अंदर आती हूँ और एसी की ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह पर पड़ती है, तो मानो ऐसा लगता है कि संसार के सारे ताप समाप्त हो चुके हैं। और जब मैं इन मंदिरों के अंदर नाच नाच कर रील्स बना बना कर थक जाती हूँ ना, तो भाई माधवन, दीदी गोविंदास रेस्टोरेंट में जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद पा लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ने हमारे भोग विलास के लिए बहुत अच्छी संस्था बनाई है, जिसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बोली आप सभी भी शीला प्रभुपाद जी की जय। अरे 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 अरे, जरा राधा गोपाल जी की भी दर्शन कर लो। वाह भगवान, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, आज तो नया ड्रेस भी पहने हैं, मोर पंखी वाला ड्रेस, क्या बात है। एक रील बना लेती हूँ, वायरल हो जाऊंगी।
वैसे भी इंस्टाग्राम पर भक्ति वाले कंटेंट बड़े वायरल हो रहे हैं। किसको बोलूं, किसको बोलूं? ये रही, इनको बोलती हूँ माता जी। ओ माता जी, जरा आइए तो। आइए ना माता जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है माता जी, सीधा राधा रानी के तरफ से है आपके लिए। आपको ना माता जी, मेरी रील्स बनानी है। ओ माँ, आपनी तो बांगाली। अरे बाबा, ए मालाटा आपनी आमा के दिए दिन। दिन दिन मालाटा दिन आमा के माता जी, दिन दिन आमी देव ना। এটা আমার মালা আছে, কেন দেব তোমাকে? এই মালাটালা কি করছেন মাতাজি? সেবার সময় মালা করতে নেই, দিন দিন তো আমাকে দিয়ে দিন। তোর বাবা ভালো লাগে না? এই মা, আজকাল মেয়েরা বড়দের সম্মান করতে ভুলে গেছে। আমি দেব না মাতাজি। প্রভুপাদজি বলেছেন প্রিচিং ইজ দ্য এসেন্স। মাতাজি মালাটা আমাকে দিয়ে দিন না মাতাজি, আমি গলায় ঝুলিয়ে নিচ্ছি, সবাই ভাববে আমি সকাল সকাল সোলো মালা করে নিয়েছি, তারপরে রিল বানাচ্ছি। উফ, এক কাম কিজিয়ে তো মাতাজি, ইয়ে মেরা ফোন পকড়িয়ে পকড়িয়ে না, আর যা কর না, एक मेरा बढ़िया सा रील बना दीजिए माता जी। हाँ माता जी, आपको बोल रही हूँ। हाँ माता जी, माता जी आप जरा यहाँ पर आइए ना माता जी। झुकिए, थोड़ा झुकिए, झुकिए और थोड़ा झुकिए माता जी। अरे माता जी, आप तो नाराज हो रही है। माता जी मैं तो यहाँ सेवा की बात कर रही हूँ, भगवान को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाने की बात कर रही हूँ, और आप बुरा मान रही है माता जी। क्यों माता जी, क्यों? ओ माता जी, आप भी ना अपना माला मुझे दे दीजिए ना माता जी, अपनी माला दे दीजिए, सबको लगेगा कि सुबह सुबह मैंने 32 माला करके आई हूँ और रील बना रही हूँ। आप आइए माता जी, आइए इधर आ जाइए माता जी। माता जी मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए माता जी। हाँ माता जी, आप कोई जी? आप थोड़ा झुकिए और थोड़ा झुकिए, झुकिए ना यार, अच्छे से भगवान के आगे झुको यार। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अरे माता जी ये वाला फ्रेम ना रखना है आपको, ठीक है माता जी? रेडी है माता जी आप तो? माता जी अब आप हटिए, हटिए, हट जाइए आप। अब आप मेरा रील बनाइए माता जी, और ऐसा बनाइएगा ना माता जी कि मेरे अंदर का जो भाव है ना माता जी, वो सबको दिखना चाहिए माता जी, ठीक है माता जी? माता जी आपनी तो बांगाली, ताई एकटा बांगला गान दिए स्टार्ट करी। अच्छा ठीक अच्छे, 1 2 3 Action! সর্বত মঙ্গল রাধে ভিন দিনে রাই, বৃন্দাবনের বংশধারী ঠাকুর কানাই, একলা রাধে যমুনাতে জল ভরিতে যায়, পেছন থেকে কৃষ্ণ তখন আরে আরে চায়, জল বড় জল ভর রাধে ও গোয়ালের ঝি, কলস আমার পূর্ণ কর রাধে বিনোদী, মন কি হাত পেতেছে চাঁদ ধরিতে চায়, বামন কি আর হাত বাড়ালে চাঁদের দেখা পায়, কালো কালো করিস নিল গোয়ালের ঝি, আমায় বিধাতা করেছে কালো আমি করব কি, এক কালো যমুনার জল সর্ব প্রাণী খায়, আর এক কালো আমি কৃষ্ণ সকলে রাধে চাই। माता जी एक और प्लीज प्लीज माता जी, एक और माता जी।
कैसी बनी है माताजी, जरा दिखाइए तो। वाह वाह माताजी, बहुत बढ़िया माताजी, वाह। अरे माताजी, बहुत बढ़िया रील बनाई है माताजी, मैं तो वायरल हो जाऊंगी माताजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरी बोल माताजी, धन्यवाद माताजी। हरी बोल, हरी बोल। दूसरी माताजी की ओर बढ़ते हुए। अरे माताजी, हरे कृष्णा माताजी। माताजी ये देखिए माताजी, हम लोगों ने ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद कितनी अच्छी रील बनाई है माताजी, देखिए ना माताजी, जरा देखिए तो। काफी अच्छा रील बना लेती हैं आप तो। अरे माताजी, आप भी ना, सब प्रभु की माया है माताजी, सब गोविंद की कृपा है, हम लोगों को तो कुछ नहीं आता माताजी। तो कभी मॉर्निंग प्रोग्राम का भी रील बना लिया कीजिए। अरे माताजी, आप भी ना बड़ी मजा किया हो माताजी, बड़ी मजा किया हो सच में माताजी, आप अपनी कृपा ही नहीं कर रही है, कृपा करिए ना माताजी। इसी वजह से तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में भी नहीं आ पा रही हूँ और रील भी नहीं बना पा रही हूँ। जिस दिन आप अपनी कृपा करेंगी ना माताजी, उस दिन मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आऊंगी और खूब बढ़िया सा रील बनाऊंगी। ठीक है माताजी, अब मैं चलती हूँ माताजी, प्रसाद खत्म हो जाएगा, प्रसाद पाने में लेट हो रही हूँ माताजी। माताजी ठीक है माताजी, हरे कृष्णा माताजी, चलती हूँ माताजी। अरे अरे माधवी माताजी, कहाँ जा रही हैं? 16-16 रील्स तो इनसे आराम से बन जाती है, पर बात आए 16 माला करने की तो इनकी हालत खराब हो जाती है, कुछ सोचना पड़ेगा इनके बारे में। देखो तो भाई माधवन, प्रसाद कितना बढ़िया बना है आज, ये सब दाल चावल तो हम लोग रोज ही खाते हैं ना भाई। एक काम करते हैं दीदी, सब कुछ डबल डबल भर लेते हैं, पनीर डबल भरो और गुलाब जामुन तो चार चार भरो। अरे भरो यार भरो। यार ये इस्कॉन में ना लाखों समस्याएं हैं, पर ये इस्कॉन वाले प्रसाद बहुत बढ़िया बनाते हैं। वैसे भी प्रभुपाद जी कहते हैं इटिल नहीं, कोई शर्माना नहीं है, बढ़िया से भरो यार, भरो भरो, मजा आ गया यार, मजा आ गया। हाँ दीदी, प्रसाद देखकर तो मजा आ गया, और भरो भरो। एक माताजी माधवी माताजी की ओर आते हुए। हरी बोल, हरी बोल माधवी माताजी, हरे कृष्णा माधवी माताजी, कैसी हैं आप और आपकी साधना कैसी चल रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वैसे बल साधना तो माताजी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, प्रभुपाद जी की लगभग सारी पुस्तकें तो मैंने पढ़ रखी है, सब जगह तो प्रभुपाद जी लगभग एक ही चीज को बताते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कहते हैं कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, देखिए मैं भी भक्तों के संग में ही रहती हूँ, कहते हैं कि प्रसाद पाना चाहिए, देखिए हम भी प्रसाद पा ही रहे हैं, बोलते हैं वैष्णवों के साथ अपराध नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह पता माता जी, एक माता जी बड़ी नाराज हो रही थी, पर मैंने उनसे बड़े प्यार से बात की, माता जी वैष्णव अपराध भी नहीं किया मैंने। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तक का जो सार है ना, जो क्रक्स, क्रक्स समझती है माता जी, वो क्रक्स वो मैंने ना पकड़ लिया है माता जी। माता जी आपने प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें पढ़ ली? अरे क्या बताएं माता जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, सारी किताबें तो नहीं पर हर किताब की लगभग दो दो पेज तो मैंने पढ़ ही लिए हैं माता जी। अब क्या है ना माता जी, थोड़ा रीडिंग वीडिंग में हमारा मन नहीं लगता है माता जी, जैसे ही किताब खोलती हूँ ना तो नींद आ जाती है माता जी, और नींद को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना माता जी, तो हम ना उठा लेते हैं अपना बढ़िया स्मार्टफोनवा, और उसमें भी आप
माताजी वैसी वैसी चीज नहीं देखती हूँ मैं, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं भक्ति वाले रील्स देखती हूँ और दो दो घंटा तीन तीन घंटा बैठकर मैं पूरी भक्ति वाली रील्स देखती हूँ। वृंदावन की कहीं प्रभु जी लोग हैं और कोई माता जी लोग भी हैं? माता जी प्रभु जी लोग ना एक एक मिनट के अंदर भक्ति के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं माता जी। और जब मैं उनको देखती हूँ ना माता जी, मतलब मेरा तो जो भक्ति है ना माता जी, भाव जो है वो अंदर से बढ़ जाता है माता जी। माता जी मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी माता जी, आप भी माता जी ये रीडिंग बीडिंग ठीक है माता जी चलता रहेगा माता जी, बट प्रभु जी लोगों का जो रील्स है ना माता जी वो जरूर देखना चाहिए आपको। और माता जी देखिए, मैं ना रील्स देखती हूँ प्रचार हेतु, स्टेटस पर लगाती हूँ माता जी। और मैं प्रचार इस तरीके के करती हूँ ना माता जी कि रील्स के थ्रू और डिवोटीज आएंगे हमारे टेंपल में, वो भी मेरी तरह हैप्पी डिवोटीज बन जाएंगे। ऐसे तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हरे कृष्णा मिशन है ना माता जी, ये मैं समझ चुकी हूँ। पता नहीं ये सीनियर डिवोटीज क्यों परेशान रहते हैं, प्रचार कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे बाबा मुझसे सीखी है, मुझसे ये हरे कृष्णा मिशन को तो यूं चला सकती हूँ मैं, चुटकियों में चला सकती हूँ। हे हियरिंग में रील्स, माता जी आप ये सब सीनियर डिवोटी से पूछ कर तो कर रही हैं ना? अरे माता जी सीनियर डिवोटीज और वेरी वेरी सीनियर, अब हर छोटी मोटी बात के लिए उनके पास थोड़ी ना जाएंगे माता जी कि कौन सा बुक पढ़नी है, कौन सा लेक्चर सुनना है। अरे जब जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी ना माता जी, भक्ति छोड़ने की नौबत आ जाएंगी, तब जाएंगे सीनियर डिवोटीज के पास। आप बहुत सवाल जवाब करती है माता जी, ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए, तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ वरना टीचर मेरा नंबर काट लेंगे। हरे कृष्णा माता जी, चलती हूँ। चल भाई माधवन, चल चलते हैं। हाँ चलो दीदी, प्रसाद भर लिया है। हरे कृष्णा, कुछ माता जी घर को प्रस्थान कर रही हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आयो तुम बैठे, तुम कितना पूजा पाठ करेगा बैठे, थोड़ा इडली डोसा खाती तुम बैठे, कितना हरे कृष्ण हरे राम करेगा बैठे, लो इडली खा लो तुम। थैंक यू अम्मा। अयो मां आज तो एकादशी है, ओहो मैं के सिखाएगी, मैं क्या करूं स्वामी। अम्मा डोसा सांबर में कितना ऑयल डाला आपने, और सांबर देखो कितना मसाला, मैं नहीं खाती अम्मा। अम्मा ऐसा करती मैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ही कुछ खा लेगी, ठीक है अम्मा? तू कितना खाएगी मुझे सब पता। अयो अम्मा मुझे तो लगता आज इसका जरूर कोई व्रत है, पूछो अम्मा पूछो इससे। अयो अम्मा तुम खाना बाहर खाने की बात करती, गंदे गंदे हाथों से खाना बनाती, तुम उनका खाना खाएगी और तुम बाहर किसके साथ खाएगी, वो इंस्कॉन वाली माता जी लोगों के साथ खाएगी। रे बाबा कुत्तों कुछ खाती पीती नहीं, सारे दिन तो ब्राता करती। अयो रामा चूक के चूचोरा चुहारा हो गई अम्मा, तू क्या खाएगी उनके साथ। रे मुर्गन बाबा तू कुछ करो, मेरे बात को अकल दो मुर्गन। अरे राम तू क्या खाती बेटी, अकल दो मुर्गन, मेरे बात को अकल दो मुर्गन, क्या खाएगी तू। अरे एक बात बता, तुम रखो कल वहां पे कैलेंडर टांगा था, तूने हटाया क्या वहां से? मुझे क्या पता। अरे तू मुझे क्या पता,
बाती दा कही क्या बोलती, कैलेंडर टांगी थी मैं उधर। अयो अम्मा मैंने देखा था कल रात को इसने कैलेंडर छुपाया, ये झूठ बोलती है। नहीं अम्मा देखो वही कहीं होगा। अरे बात तू मेरे को साची साची बता, तेरा कोई आज बरात तो नहीं आ रहा कृष्णा का? ना ना नहीं तो मेरा कोई व्रत नहीं है अम्मा। ओह अम्मा अब शुरू हो जाएगी। अरे मुर्गा ना तुम ना प्री व्रत रखा ना, तुम कितना डीट बैठी है, बाबा रे बाबा कुछ सुनता ही नहीं है। तुम जो अपनी अम्मा का दिल जलाती बैठी, तुम क्या करती ऐसी कौन सी भक्ति करती बैठी, तू कितना दुख देगी मेरी माँ को अपने। अरे मुर्गन कौन सा तेरी भक्ति से तेरे पास उतर आएगा बैठी, नीचे तेरे पाव में आ जाएगा बैठी, चूक के चिचोरी चुहारी होगी अपनी सकल देख बैठी है मुर्गन। क्या करूँ मैं अम्मा, मैं क्या करी, मेरी क्या गलती? नहीं ना बाटी तेरी गलती का, गलती तो मेरी ना बैठी, मैं तेरे को भेजी ना उन बूढ़ी बूढ़ी माताओं लोग के साथ, ऐसी कोने वाली माताओं के साथ जो कुत्तो चुकी चोरी चोरी जैसी है, खाती पीती ने मेरे बेटी को बूढ़ी बना देती है। बाबा तेरा शादी देने को मांगती बैठी, तू कुछ समझ बैठी क्या करती बैठी? अम्मा तुमको कुछ पता नहीं, तुम बस बोलती रहती हो, उनसे कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं सीखता तुमको क्या बताऊं अम्मा, मैं तुमको क्या बताऊं। अम्मा वो जो तुम्हारी किट्टी पार्टी की दोस्तें हैं ना, उनके जैसे हम लोग इधर उधर की चुगलियां नहीं करते, और वो जो तुम्हारी कोमालिका आंटी हैं वो तो हद हैं, उनसे तो बस चुगलियां करवा लो मिस्टर। हैं तो बस कर, तू बस कर चुप हो जा, तू कितना बोलती है, तू बैठी तुम तेरे संस्कार कहाँ गए, तू बैठी तू दिन भर भूखे रह रह के संस्कार भूलते जाती रे बैठी, तू भक्ति से अपनी माँ बाप को सताती बैठी। अम्मा कौन भूखा रहता है, इतना कुछ तो खाती मैं अम्मा। आया मुर्गा ना तुम खाती क्या, खाती बैठी आलू खाती दही खाती, दही तो दूध पीती बैठी, ऐसा कौन खाता है बैठी, खाना इडली का खाना है तो सांभर का डोसा का उत्तपम का, अरे दही पूछ का मेरे से नखरा करती बैठी, तू इतना व्रत मत रख बैठी, बूढ़े लोग करता है ये सब बैठी, जब बूढ़ा होना तो तुम कर ना बैठी, मैं कहता को नहीं मना करती बैठी, तेरी शादी रचाने को बैठी, तुम बुढ़ापे में भक्ति कर लेना बैठी, अभी कुछ का पी ले बैठी, अब मेरी बैठी का लेना बैठी का ना ना का के तू अपना बाड़ी गला ली है। अम्मा तुम कितना कीच कीच करता, मैं जा रही हूँ अम्मा, मैं नहीं रुकेगी यहाँ। अरे मैं कीच कीच का करती बैठी, तू कुछ का ना खा ले पाले, तू ब्राता ब्राता छोड़ दे बैठी ले का ले, मैं नहीं खाएगी अम्मा, मैं जा रही है, मैं जा रही हूँ अम्मा, मैं नहीं रुकेगी। कहा जाती है मेरी बैठी, रुक जा अम्मा रुक जा। अरे बाकी तुम कहा जाती बाकी, मुर्गा नहीं आयो अम्मा, तुम कहा मेरी बेटी को फंसा दिया भगवान, मुर्गन व्रत कर करके चूक के चूची चोरी हो गई, अरे बाबा मैं क्या करूं मुर्गन, बचा लो आया आओ। हरे कृष्णा, तो आपने देखा माँ बेटी का महासंग्राम, पर हम माधवी को देखना तो भूल ही गए, देखे वो क्या कर रही है। ओहो तो इस प्रकार माधवी की सहज भक्ति किसी भावनाओं से ओत प्रोत होकर कॉलेज की ओर चल पड़ी, पर उनको क्या पता था कि भक्ति ठीक ही तो चल रही है, पर उनको लग रहा था कि आज कॉलेज में भगवान उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने वाले हैं। आइए देखते हैं कॉलेज में क्या हो रहा है। अरे ये क्या, ये सब तो मस्ती कर रहे हैं। ओहो ये सब तो डांस करके खूब मस्ती कर रहे हैं। अब ये तुम्हारी बारी है, तुम डांस करके दिखाओगे अब हमको। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम करो। तुम
चमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा छम छमा पायल घुंगरू बजने त्यार खुटमा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा आ गए स्कॉन वाले आ गए हरे कृष्णा वाले आ गए। अब आ ही गए हो तो हमारा यह डांस का चैलेंज पूरा करके दिखाओ। अरे अरे जरा हम भी तो देखें कैसे नाचते हैं स्कॉन वाले। पामे सारी दुनिया च जाके वेख लो हुस्न मुकाबला करा के वेख लो भाई हमें देखकर बहुत जलते हैं। खैर छोड़ो, आज तो उन मैम की क्लास है ना भाई जो कार्ल मार्क्स और डार्विन की बात करते हैं। हाँ हाँ, जो बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, भगवान के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। लेकिन अगर आज कुछ भी भगवान के बारे में बोला ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तो भगवान की रील्स बनाकर आई हूँ और तो और प्रणाम करके भी आई हूँ, तुमने तो देखा ही है ना भाई। हाँ हाँ दीदी, आपको बोलना ही चाहिए, जवाब देना ही चाहिए, और आज तो आप तिलक भी लगाकर आई हो। क्या तिलक? तिलक हटाना भूल गई। ओ माय गॉड, जल्दी से ये तिलक हटाओ यार, हटाओ। अगर कॉलेज वालों ने देख लिया तो मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरा नंबर कट लेंगे। अरे देखो 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 भाई, छूट गया ना तिलक। हाँ हाँ दीदी, हट गया। ये देखो, इनके पास तिलक लगाने का तो दम नहीं है और आ रहे हैं बड़े प्रोफेसर को जवाब देने। अरे अरे अरे, मैम आ गई, मैम आ गई। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। सो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच टुडे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश से कब की खत्म हो चुकी है, स्पेशली इस हिंदू धर्म से। यहां इनके राम और कृष्ण को कुछ बोल दिया जाए तो ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ऑल थैंक्स टू दैट बैकवर्ड ब्राह्मणिकल सनातन धर्मा। हमारे देश में इस हिंदू सिविलाइजेशन को बहुत एंशिएंट बताया जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू। हिंदू रिलीजन की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई थी। ये तो गलत है माधवन, पूरी हिस्ट्री पलट दी इन्होंने। दुनिया में ये ऐसा धर्म है जहां ब्राह्मण खुद बड़ा बन जाता है और शूद्र को छोटा बनाकर एक्सप्लॉइट करता रहता है। अरे छुआछूत इज द कोर ऑफ हिंदू रिलीजन। अगर आप छुआछूत में, डाउरी सिस्टम में, वुमेन स्लेवरी में, कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते तो यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग अ हिंदू एट ऑल। राम ने क्या किया था अपने समय में? कुछ ब्राह्मणों की बातों में आकर शंभु की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो बेचारा एक शूद्र था, एक दलित था। और कृष्ण, कृष्ण ने क्या किया था? पूतना का वध कर दिया था, क्योंकि वो एक असहाय ट्राइबल लेडी थी बेचारी। दैट्स वाई दिस हिंदू सोसाइटी इज द मोस्ट वायलेंट सोसाइटी। इस तरह इन मनुवादियों ब्राह्मणवादियों ने हमारे देश का सत्यानाश कर रखा है। और मजे की बात यह है कि जब इन्हें इनकी असलियत बता दी जाती है तो ये आपको एंटी नेशनल होने का टैग दे देते हैं, गो टू पाकिस्तान कहा जाता है। बट डोंट वरी,
आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ एक ब्राह्मण ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा नाम क्या होगा, कब और किसके साथ तुम्हारी शादी होगी, और तो और तुमको मोक्ष भी मिलेगा या नहीं ये भी तुमको एक ब्राह्मण ही आके बताएगा। कैन यू बिलीव दिस? यहाँ आपको ये ब्राह्मण अपना दिमाग लगाने से भी रोकते हैं, बोलते हैं जैसा गुरु बोले वैसा ही करो, वही सुनो, उन्हीं लोगों से मिलो ताकि तुम उन गुरुओं से तर्क भी ना कर सको और वो गुरु तुमसे अपनी गुलामी करवा सके ऑन द नेम ऑफ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और आज भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे व्हाट्स द नेम ऑफ दैट हरे कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन, इस्कॉन, या इस्कॉन, इस्कॉन। यहाँ आज भी ऐसे ब्लाइंड प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं। इस्कॉन इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस एरा। कभी सोचा है कहां से आता है इतना पैसा जो इंप्रेशंस जैसे बड़े बड़े इवेंट्स कराए जा सके? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग, जिसका एम है इंडियन यूथ को ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश करके उन्हें अनप्रोडक्टिव करना और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ने से रोकना। गॉड, वी शुड थैंक दोज इंटेलेक्चुअल लाइक कार्ल मार्क्स, डार्विन, जिन्होंने हमें धर्म के जाल में फंसने से बचाया। वी शुड थैंक मुगल्स, जिन्होंने हमें करीम और ताजमहल दिए। वी शुड थैंक्स ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमें रेलवे और एजुकेशन सिस्टम दिए। ऑल्सो वी शुड थैंक्स दोज इन्वेडर्स जैसे गजनी, जिन्होंने टेम्पल्स को तोड़ा, पंडितों को मारा और हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट होने से बचाया। एवरी इन्वेशन हैज गिवन अस समथिंग, और हमें क्या बताया जाता है? दैट इन्वेशन वॉज बैड, बट द रियालिटी इज ऑपोजिट। वी शुड थैंक्स दोज अमेरिकन्स जो हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखा रहे हैं। मैं तो यहां तक देखती हूं कि कैसे कुछ मूर्ख अपने व्हाट्सएप पे राधे राधे का स्टेटस लगाते हुए घूमते हैं। वैसे आप लोगों में से कि तो कोई ऐसा नहीं है ना यहाँ पे? अरे ये लोग राधे राधे बोलते हैं और लाइफ की रियलिटी से ही भागते हैं। दे आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ हैलुसिनेशन। मैम एक्सक्यूज मी मैम, बाकी तो सब ठीक है मैम, पर आप राधा रानी को तो कुछ मत बोलिए मैम। शट अप, राधा रानी हमारी महारानी है, वृंदावन की ठकुरानी है मैम। चुप चाप बैठो, इंटरनेस नहीं दूंगी तुम्हें, करियर खत्म कर दूंगी तुम्हारा, फिर घूमती रहना उन्हीं लोगों की तरह राधे राधे बोलते हुए नाचना सड़कों पे। सॉरी मैम, सॉरी, अब से नहीं होगा मैम। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, एजुकेशनल लोन लेकर पढ़ रही हूँ मैम। सिट, बेटर। हाँ तो कहाँ थी मैं? दी सनातनी पीपल, दे आर जस्ट लाइक डेंगू एंड मलेरिया इन द सोसाइटी। इन्हें समाज से खत्म करना, इरेडिकेट करना इज द नीड ऑफ दिस एरा, क्योंकि इनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन तो जीरो है, जीरो, अ ब्लडी डैम जीरो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। हाँ भाई, आ गया स्वाद, निकल गई सारी हवा, हो गया राधे राधे। अरे भाई, हरे कृष्णा के अलावा इस पूरी दुनिया में प्रैक्टिकल फिलॉसफियां भी हैं, उनमें से भी कुछ पढ़ लिया कर, काम आ जाएंगे तेरे। माधवन, ये डार्विन और कार्ल मार्क्स की क्या फिलोसफी है भाई? मुझे तो इनके नाम के अलावा कुछ पता ही नहीं है। अरे वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। माधवन, मुझे तो लगता है कि भक्ति में ना हमें किसी ने बताया ही नहीं इन चीज़ों के बारे में, हमें ना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है इस्कॉन में। हाँ दीदी, सही बोल रही हो तुम। देखो भाई माधवन, भक्ति के सारे नियमों का पालन करती हूँ, घंटों बैठकर भक्ति के रील्स भी देखती हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी ना अंदर से जो ज्ञान है वो दे नहीं रहे, भक्ति में कुछ ना कुछ तो कमी है, ऐसे काम नहीं चलेगा माधवन। क्या यार माधवी, तुम दोनों भाई बहन सुबह सुबह तो तिलक विलक लगा करके राधे कृष्ण कर रहे थे,
अब तुम लोगों को एकदम से डाउट भी हो गया। माधवन, अब मुझे लग रहा है ना कि हमें भक्ति का मार्ग छोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम दोनों फुक पुंडुक बनकर रह जाएंगे। माधवी की सहज भक्ति प्रोफेसर के आगे टिक नहीं पाई। भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सांस भी नहीं लेने देते। तो आइए देखते हैं माधवी की अगली परीक्षा किस सब्जेक्ट की होती है। मेरी माँ का फोन, मेरी माँ का फोन, सबकी माँ का फोन, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। हाँ पापा, प्रणाम। खुश रहो बेटे, कैसन बाड़े और माधवन कैसन बाड़े? हाँ पापा, दोनों ही ठीक है पापा। पापा जस्ट अभी कॉलेज से घर आई हूँ, पढ़ने ही बैठ रही थी। अरे बेटा, हमाऊ अभी शर्मा जी के घर से आवत बाड़े, उनके बेटी यूपीएससी निकाल इन बाड़े, तो उन्हें बड़े पार्टी दे रहे और पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुमकी बेटी का कर रही है, कहीं सेटल वेटल हुई कि नहीं। बेटी तुमको कुछ करना है तो करो, नहीं तो देखो हमारा उम्र हो गया है। हाँ पापा, तैयारी तो कर ही रही हूँ ना, मैं भी और माधवन भी, अब भरोसा रखिए पापा। अरे क्या तैयारी कर रही हो बेटी, जब देखो तब तैयारी करे, सदुआइन बने, घूमे, भक्ति में लगी पड़ी रहो। अब भक्ति वक्ति कुल बुढ़ापे में कर ले हो, दिन भर राधे राधे का स्टेटस लगाओ है, ये सबसे कुछ मिले ना बेटी, हम बतावा थे तुमका। मेहनत करो, अपन करियर बनाओ, माधवन को भी कहो कि पढ़ ही लें, नहीं तो हमारा दिमाग एकदम खराब होता। अब देखो हमसे कुछ होत ना है, लो अपने मम्मी से बतियाओ हमारा दिमाग खराब होता। कहाँ गई थी हो जी, सुनती हो? ऐ लो धरो, माधवी से बतियाओ। हेलो बिटिया माधवी। क्या बिटिया रानी, ठीक हो तुम दोनों बिटिया? पापा चिंता कर रहे हैं ना बिटिया। मम्मी प्रणाम, मम्मी प्रणाम। मम्मी आप पापा को समझाइए ना मम्मी, हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब नौकरी पेड़ पर थोड़ी ना उगती है। हाँ बिटिया माधवी, वो तो ठीक है ना बिटिया रानी, लेकिन ये क्या बिटिया, दिन भर स्टेटस लगाती रहती हो, हरे कृष्णा राधे राधे, दिन भर यही सब करती रहती हो बिटिया रानी। तुम्हारी चाची ना बिटिया पूरे गांव में हल्ला कर दी है कि माधवी साध्वी बन गई है। क्या बिटिया, पापा चिंता करते रहते हैं तुम्हारा, रो रहे हैं, क्या कर रही हो बिटिया ये सब? अरे मम्मी, तुम लोग भी ना क्या झूठ मूठ का टेंशन दे रही हो, और ये क्या सब गांव वालों के बातें सुन रही हो, पापा को समझाओ ना मम्मी। अरे उतना थोड़ी ना भक्ति करते हैं, और ये चाची कौन, इस चाची का तो काम है हर छोटी मोटी बात को बड़ा बना देती है, बड़ा करो तो चाची को माथा खराब करके रख देती है। अरे बिटिया रानी, अब बड़ी हो गई हो ना तुम, जिम्मेदार कब बनोगी बिटिया रानी? दो दिन की छुट्टी लेके घर आ जाओ बिटिया रानी, तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है ना हमने। अरे मम्मी, हमको ये सब नहीं करनी है अभी, शादी बादी नहीं करनी है तो पढ़ाई करनी है अभी। ठीक है बस चलिए, अब हम रखते हैं, माधवन भी ठीक है, और आप लोग खाना पीना खाइए, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और चाची को तो पहला बुला करिए। और ठीक है मम्मी, रखते हैं हम, प्रणाम। फोन मत काटा बिटिया रानी, चला बिटिया रानी, खुश रह, खुश रह। माधवी अपने मम्मी पापा से बात करके बड़ी उदास हो गई है। मम्मी पापा हमसे कोई खुश नहीं है भाई, अरे यार भक्ति के चक्कर में हम लोग यार कहाँ फंस गए यार, मैं अपने टाइम कहाँ वेस्ट कर रही हूँ, मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर सब वेस्ट हो गया। सिट यार सिट, इतना स्ट्रेस हो रहा है ना, सर फट रहा है मेरा, थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ भाई, कुछ तो आराम मिलेगा ना दिमाग को। अरे मेरे फोन, कहाँ हो तुम भाई? पढ़ाई कुछ देर बाद होगी। मन की बात मोबाइल फोन से। अ
अब घंटी तो बजेगी ना, हम आए हैं। मोबाइल फोन हूँ मैं, मोबाइल। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, आज के समय में किसी बड़े राक्षस की जरूरत नहीं। इन सभी की कमी को पूरा करने के लिए मैं काफी हूँ। मोर्चा संभाल रखा है मैंने। अब कल की ही बात ले लो, ये माधुरी सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती दर्शन के लिए नहा धोकर तैयार हो गई थी, लेकिन उसे सबसे पहले किसके दर्शन हुए? मेरे नोटिफिकेशन के। फिर मैंने बैक टू बैक रील्स में उसे ऐसा फसाया कि वो बेचारी मंगला आरती तो छोड़ो, दर्शन आरती के लिए भी मंदिर जा नहीं पाई। जलवा है अपना देश का बच्चा बच्चा सोशल मीडिया में आज ऐसा डूबा हुआ है कि उसे खाने पीने से ज्यादा मेरी जरूरत महसूस होती है ना बच्चों? और यही तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे बिना जी ही ना पाए। माधवी की यही समस्या थी कि परेशानी आने पर उनकी सहन शक्ति किसी काम नहीं आती थी, और इसलिए ऐसी परिस्थिति में वो भगवान और उनकी शिक्षाओं को नहीं बल्कि फोन को सरेंडर करती थी। तो आइए देखते हैं माधवी और माधवन दोनों की नजर से। आओ माधवी, आओ। तुमने अपना टाइम और एनर्जी मुझ में सरेंडर किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाती हूँ। ये देखो माधवी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, टिंडर, स्पॉटिफाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मेरे ही दिव्य रूप है माधवी। लोगों का टेंशन स्पैम कम करना, उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना, उनका टाइम वेस्ट करके उनकी चेतना को खराब करना, ये सब मैं अपनी ही विभिन्न शक्तियों द्वारा करती हूँ। दुनिया में क्या चल रहा है? इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जीती या हारी? पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो इमोशनल वीडियो ही देख लो। ये देखो कितना प्यारा कुत्ते का पिल्ला है। इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग रील्स देख लो, रियलिटी शो देख लो, बिग लॉस, पॉलिटिक्स देखो, मुगल हिस्ट्री देख लो, कुछ नहीं तो बॉलीवुड की मसालेदार रील्स ही देख लो। सब कुछ देखो लेकिन करना कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते रहना, क्योंकि तुम एक कंज्यूमर हो। कंज्यूमर तो आओ और मुझ में लीन हो जाओ, और चलो इस रियलिटी से दूर सपनों के शहर में चले। आओ माधवी, आओ माधवन। अरे माधवन, ये देखो, ये तो आईएएस में सिलेक्ट हो गई भाई। वाह, इसकी तो लाइफ सेट हो गए। अरे ये तो कितनी बढ़िया जगह घूम रही है। कॉलेज में पता भाई मुझसे उधार मांगा करती थी। देखो माधवन इसको देखो। अरे दीदी एक मिनट, ये तो सचिन है ना। इसने जीएफ बना ली। अरे यार क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है, झींगुर सी इसकी शक्ल है, फिर भी जीएफ लेकर घूम रहा है। और एक हम है, हैंडसम और तेजस्वी लड़के, बैचलर के बैचलर ही रह गए। इसने अपने पापा को आईफोन गिफ्ट किया है। मैं तो अपने पापा पर आज भी बोझ हुआ। दुनिया में सब कितने खुश है भाई,
ये मैं ही हूँ एकदम वीक और वर्थलेस। ना ही मेरा कोई है और ना ही मुझे कोई पूछता है और ना ही कोई मेरा केयर करता है। मेरी सारी सहेलियाँ, सारे दोस्त बहुत सक्सेसफुल हैं और जो नहीं है वो शादी करके बहुत खुश है, और एक मैं ही हूँ सिर्फ माला फेरती रह गई। माला क्या भाई? माला फेरती रह गई। ना मेरे पापा खुश, ना ही मेरे मम्मी खुश और ना ही मेरे ठाकुर जी खुश। हम दोनों भाई बहन क्या कर रहे? माला फेर रहे, माला। कभी कभी तो मन करता है ना कि तुमको भी लगाए दो तीन चाटा और खुद को भी कुछ कर ले। अरे दीदी, कृष्णा की ये आत्मा वाली बात सच हो गई तो फिर तो भटकना पड़ेगा। फिर हमें भटकना पड़ेगा? अरे इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? भक्ति करने से तो मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना मैं घर की ना मैं घाट की। हो कितनी कंफ्यूजन है भाई, कितनी कंफ्यूजन है। बिटिया भक्ति बाद में कर लेना, मेरी उम्र हो गई है बिटिया रानी, पापा रिटायर होने वाले हैं बिटिया। मैं मेहनत करूंगी मामा, मामा प्लीज ना पापा को मनाइए ना मामा। हे माधवी, ये देखो यार, मेरा 5 लाख का पैकेज लगा है और कुछ दिनों में मेरी शादी है यार। मेरी शादी में आओगी ना माधवी? मेरी शादी में जरूर आना माधवी। बोला था ना तुमसे, ये धर्म का नशा तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, निकम्मा कर देगा तुम्हें। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, फेल हो गई हो तुम माधवी, फेल। सोसाइटी पर बोझ बन गई हो तुम। ये क्या हुआ भगवान, मेरे साथ ये क्या हुआ? मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है भगवान, क्यों है? अरे भक्ति करने, भजन सुनने से तो खुशी मिलती है ना, फिर मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों भगवान, क्यों? आपके तो इतने सारे भक्त हैं, सब खुश है, अच्छे हैं, अच्छे अच्छे रील बनाते हैं, धाम में जाते हैं, तो फिर मेरे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है भगवान, क्यों? मुझे तो लगता है ना भगवान है ही नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है, ये जो बड़े बड़े मंदिर मूर्तियां सब झूठ है, ये गीता, ये हरे कृष्णा, ये सब किताबें फेंक दो इनको। काश मैंने अपने प्रोफेसर की बात सुन ली होती, काश मैं अपने दोस्तों की बात सुन ली होती तो मैं यहाँ नहीं होती। काश यार, माधवन इस मोबाइल के चक्कर में ना आज हम दोनों ही ये जो दर्द हो रहा है ना, है भगवान। माधवी, माधवन। कौन है, कौन है वहाँ पर, बताओ। मैं कृष्ण हूँ माधवी, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण, कृष्ण आप सच में हैं? भगवान मैं तो आपकी कल्पना कर रही थी, लेकिन आप तो सच में हैं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। हाँ मैं वास्तव में हूँ माधवी। अरे माधवी, तुम्हारे युग की तो यही समस्या है, मुझे छोड़कर हर चीज को सत्य मान लेते हो। पर भगवान आप मुझे ये बताइए, आप तो भक्तवत्सल है ना, पर आपने मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बनाई? आपके बाकी भक्त तो कितने भजन और रील बनाते हैं, वो तो बहुत खुश है, तो भला भगवान मेरे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? आपने मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बनाई भगवान? माधवी तुम मुझे पक्षपाती बता रही हो, खैर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर जब लोग मेरी भक्ति को मनमाने ढंग से करते हैं वो दुखी हो जाते हैं और मुझे पक्षपाती बताते हैं। और जहाँ तक रही तुम्हारे सवालों की, तो तुम शायद भूल रही हो माधवी,
भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मैंने क्या कहा है? सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वैदस्य सर्वेरहमेव वैद्यो वेदांत कृति विदेव चाहम। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान, आप अपने भक्तों पर हर समय नजर रखते हैं, तो मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? भगवान, क्या अपराध हो गया मेरी जो ये हालत है? अपराध? वास्तव में माधवी, तुमने भक्ति तो करनी चाहिए परंतु अपने मनमाने ढंग से। मैंने गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि मेरी भक्ति किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थात जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती माधवी, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन एवं आश्रय को अस्वीकार करना। मैंने अनेकों बार भक्तों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करो, पर तुमने हमेशा उन्हें अनदेखा किया। मैंने भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है, तद्विधि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। माधवी, स्वरूप से वो व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। माधवी, तुम्हारी तीसरी गलती है कि तुमने मेरे प्रिय भक्त आचार्य भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद की किताब का अध्ययन करना छोड़ दिया है। यह कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, मैंने खुद इन पुस्तकों का अनुवाद किया है। इन पुस्तकों को पढ़कर ना जाने कितने लोग मेरे भक्त बने हैं। तुमने इन सारे नियमों का पालन नहीं किया जिसकी वजह से जब तुम्हारे जीवन में समस्या आई, चाहे वो कॉलेज की समस्या हो, दोस्तों की तरफ से समस्या हो, तो तुमने भक्ति की दृढ़ता नहीं कर पाई और भक्ति छोड़कर चली गई। कमी भक्ति के नियमों या मेरी कृपा में नहीं है माधवी, कमी बद्ध जी के प्रयास में है। अगर भक्त गुरु के शरणागत होकर मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है तो वह अवश्य ही सफल होगा। माधवी, मेरी 4 बातों को हमेशा याद रखना। साधना भक्ति का दृढ़ता से पालन करना, गुरु और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास रखना, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना। माधवी, ये भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं, इनका पालन सबको करना चाहिए। माधवी, जिस प्रकार एक पौधा अपनी जड़ से जुड़ा रहता है तो धूप, जल, खाद, अनेक पदार्थ उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं। जिस क्षण वह अपनी जड़ को छोड़ देता है, उसी क्षण वे पदार्थ उसके शत्रु बन जाते हैं और उस पौधों को सड़ाकर उसका विनाश कर देते हैं। उसी प्रकार माधवी, तुम इंस्टाग्राम पर भक्ति के रील्स तो देख रही थी, उन्हें स्टेटस पर लगाकर उनका प्रचार भी कर रही थी, परंतु जो कि जड़ है यानी मूलभूत सिद्धांत, उनके पालन में लापरवाही बरत रही थी। इस कारण तुम्हारी भक्ति भी सड़ती जा रही है। हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि मैं ही गलत थी जिसके कारण आपको और आपकी भक्ति को समझ नहीं पा रही थी। आज आपके कृपावश मेरी सारी आशंकाएं मिट गई हैं। आपकी दी गई शिक्षाओं का मैं अवश्य पालन करने का प्रयास करूंगी। मैं अब से गुरु, साधु
और शास्त्र के माध्यम में रहकर आपकी साधना भक्ति करने का पूरा प्रयास करूंगी। हे भगवान, कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री राधा गोपाल जी की जय। तो इस प्रकार माधवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी भक्ति की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ने लगी।